आज मैं आपको 10th क्लास से इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के कंप्लीट जो हमारे फॉर्मूले यूज होते हैं उस चैप्टर के उनके बारे में बता रहा हूं। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट होता है उस चैप्टर से वो होता है हमारा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि आई होता है हमारा करंट, क्यू होता है चार्ज और टी टाइम। जो करंट की यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर, चार्ज की यूनिट हमारी कूलम कहलाती है और टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकेंड। यहां से हम ये भी बता सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकेंड, इसको हम थ्योरेटिकली नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पी डॉट डी भी लिखा मिलता है किसी बुक में, कई जगह पे हमको इसको वी से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू होता है हमारा वोल्टेज, क्यू होता है चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, वर्कडन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है हमारी कूलम, यानी कि हमारे तीनों की यूनिट्स हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला आता है वो आता है हमारा ओम्स लॉ, यानी कि वी इज इक्वल टू आई आर। वी फिर से हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट और आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। जो हमारा कहां से सेटअप हुआ है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो हमारा ओम्स लॉ स्टेटमेंट बताता है वहां से। हमने इसमें क्या किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटा के उसकी जगह पे जो कॉन्स्टेंट रखा था वो हमारा क्या है R। जो V की यूनिट हमारी वोल्ट है, I की यूनिट एम्पियर, जो दोनों मैंने पहले बताई आपको, और R की यूनिट आती है हमारी यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, साइंटिस्ट के नाम पे इसको रखा गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला आता है वो आता है हमारा R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाई ए। ये जो फार्मूला आया है वो हमारा कहां से आया है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहां पे भी हमने क्या किया है, कॉन्स्टेंट को हटा के, कॉन्स्टेंट लगाया प्रोपोर्शनल टू को हटा के, जो हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, यहां से हम इसकी यूनिट में निकाल सकते हैं। अगर इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एरिया डिवाइड बाय लेंथ। यहां से हमको इसकी यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस की यूनिट पता है हमको क्या होती है, ओम होती है, लेंथ की एरिया की यूनिट क्या चलाती है, मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालने के लिए रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। एक मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बच गया, ओम मीटर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी की यूनिट को निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट फार्मूला आता है वो आता है हमारा पावर के लिए, वी इंटू आई। पावर की यूनिट हमारी वाट कहलाती है, वी और आई की यूनिट में मैं पहले बता चुका हूं। लास्ट जो फार्मूला आता है हमारा वो आता है हीट, जो हमारी क्या होती है, वी आई टी। वाट टाइम की यूनिट आवर में ले सकते हैं, सेकंड में ले सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हीट की यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाकी वी और आई के ऊपर हम ओम्स लॉ का फार्मूला चेंज करके, उसको चेंज करके जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल।